हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 17 द एस्पिरेट, जिसमें आप एच के बहुत सारे रूल समझोगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अपवर्ड एच, द अपवर्ड एच इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द आउटलाइंस एज इट जॉइंस मोर रेडिली विद अदर स्ट्रोक्स। अपवर्ड एच बहुत सारी आउटलाइंस में यूज होता है क्योंकि ये दूसरे स्ट्रोक्स के साथ ईजिली ज्वाइन हो जाता है। मैंने इसमें बहुत सारी आउटलाइंस कवर की हैं सो देट आपको क्लियर हो जाए कि कहां कहां आप अपवर्ड एच यूज कर सकते हैं। जैसे वर्ड है होप, हॉबी, हीट, हिड, हैच, हॉज, हीरो, हस्क, हिडन, हीट, हैश, हैवी, हाइव, हनी, हैकल, हॉवल, हैमर, एक बार दोबारा बना लेते हैं, हैमर, हेस्ट, हसल और हिसेस। इसमें मैंने बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रोक यूज किए हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि किस किस स्ट्रोक के साथ आप इजीली एच को बना पाते हैं। अब इतना क्लियर हो गया होगा होपफुली आपको। अब आगे चलते हैं। डाउनवर्ड एच, द डाउनवर्ड एच इज यूज्ड व्हेन एच स्टैंडिंग अलोन एंड इन कंपाउंड एंड डेरिवेटिव्स। अगर एच अकेला आ रहा है, कंपाउंड वर्ड है या डेरिवेटिव है तो डाउनवर्ड एच यूज होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है हे, सिंगल स्ट्रोक है, हे स्टैक, हे और स्टैक मिलके कंपाउंड वर्ड बना रहे हैं तो भी डाउनवर्ड लगेगा। देखिए हे स्टैक में एक और रूल अप्लाई हो रहा है, जब दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स मिलकर एक एंगल बनाते हैं तो सर्कल बाहर की तरफ लगता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे वर्ड है हाई, सिंगल स्ट्रोक है, हायर और हाईली जो है वो हाई से ही बने हैं, ये डेरिवेटिव्स हैं, इनमें भी इस तरह डाउनवर्ड एच लगेगा और इस तरह आउटलाइन बनेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन एच इज फॉलोड बाय के और गे, अगर एच के बाद के और गे आता है तो भी डाउनवर्ड एच लगेगा। जैसे कि वर्ड है हॉक, हॉग, होक्स, इसको दोबारा बना लेते हैं एक बार, ऑन द लाइन बनेगा ये। देखिए ऐसे बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन एच फॉलोज हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक और अपवर्ड एल, अगर एच से पहले अपवर्ड एल या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आता है तो भी हम डाउनवर्ड एच यूज करते हैं। जैसे वर्ड है लाहौर, इसके नीचे डबल डैश लगा देंगे क्योंकि फर्स्ट लेटर कैपिटल है, कोहेरेंस, नेक्स्ट है महोगनी, इस तरह लिखा जाएगा, अनहुक, देखिए इनकी आउटलाइन इस तरह बनेंगी। इन सब में देखिए ऐसा आपको अलग से नजर आ रहा है, हम इसको अलग से ऐसे एच बनाएंगे क्योंकि अगर हम अंदर एच लगाएंगे तो वो एच साउंड करेगा, लेकिन अगर बाहर की तरफ इस तरह सर्कल लगेगा तो हमें क्लियर है कि ये एच के लिए लगाया गया है। अब इतना क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से, अब आगे समझ लेते हैं। फॉलोइंग एस एटसेट्रा, इन सम वर्ड्स सर्कल ऑफ एच इज रिटन इनसाइड द कर्व। अगर एस के बाद एच आ रहा है या
इश के बाद इसमें एक एग्जाम्पल है, उसके बाद अगर एच आता है तो हम आउटलाइन कैसे बनाएंगे। एच का सर्कल जो है वो कर्व के अंदर की साइड लग जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वर्ड है सोहो, इस तरह लिखा जाएगा। शी ही, इस तरह लिखा जाएगा। देखिए हमने अंदर की साइड सर्कल लगा दिया है। नेक्स्ट रूल है, इन सम वर्ड्स वेयर एस एंड एच कम्स टूगेदर मीडियली द सर्कल इज इन लार्ज। अगर मिडल में एच और एस साथ साथ आते हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे वर्ड है रेस हॉर्स, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इस तरह से देखिए, रेस हॉर्स, इसमें एस का सर्कल और एच का सर्कल दोनों इंक्लूड है, ये लार्ज सर्कल बन गया। इसी तरह से फिट्स यू, देखिए इस तरह से बनेगा। बहुत इजी है, आपको क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब आगे समझ लेते हैं। व्हेन एच फॉलोज अनदर स्ट्रोक, अगर एच किसी स्ट्रोक को फॉलो कर रहा है तो आउटलाइन किस तरह से बनेगी, जैसे कि वर्ड है कोहेयर, इस तरह बनेगी। एक्सचेकर, इस तरह से आउटलाइन बनेगी। एबहॉर, इस तरह से। और ऑब्जर्वर, देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए कोहेयर में बाहर की तरफ सर्कल बना हुआ है, इस तरह से लगाएंगे। बट एक्सचेकर वर्ड है, देखिए उसी तरह से है, बट इसमें दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स मिलके एंगल बना रहे हैं और बाहर की तरफ सर्कल लगा हुआ है। इसी तरह से एबोर में देखो, हमने इस तरह से सर्कल लगाया है, बट ऑब्जर्वर में हमने दो एंगल्स के बाहर की तरफ सर्कल लगाया है, तो ये आउटलाइन इस तरह बनेगी। अब आगे समझ लेते हैं, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। टिक एच, व्हेन एच इज प्रेसीडेड बाय एम अपवर्ड एल और डाउनवर्ड आर, इनिशियल एच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ शॉर्ट टिक रिटन इन द डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड एच। अगर एच के बाद इन तीनों में से कोई स्ट्रोक आता है तो इनिशियल एच जो होगा उसको हम शॉर्ट टिक से रिप्रेजेंट करेंगे, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम डाउनवर्ड एच लिखते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं, जैसे वर्ड है होम, हेल्दी या फिर हार्म, इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, द टिक एच मे बी इम्प्लॉयड मीडियली इन फ्रेजिंग बट नॉट इन वर्ड्स। अगर एच मिडल में आता है, फ्रेज है कोई, तो हम टिक लगा सकते हैं, बट अगर कोई वर्ड है तो हम टिक नहीं लगाएंगे, पूरा स्ट्रोक बनाएंगे। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं, जैसे वर्ड है फॉर हूम, ऑफ हर, टू हर, इन ह्यूमन, ओवरहॉल, इनमें हमने एच का स्ट्रोक बनाया है, इन ह्यूमन और ओवरहॉल में, और फ्रेजेस में हमने टिक लगाया। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है, अगर आप रिवाइज करेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा ये। अब आगे समझ लेते हैं। डॉट एच, वेयर अ स्ट्रोक फॉर्म ऑफ एच इज नॉट कन्वीनियंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग अ लाइट डॉट बिफोर द वॉवल। अगर एच का स्ट्रोक बनाना कन्वीनियंट नहीं है तो उसकी जगह हम एक डॉट लगा सकते हैं वॉवल के साथ में। इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं, जैसे वर्ड है एप्रिहेंसिव, इसको इस तरह लिखेंगे। देखिए एनसिव, ई का जहां वॉवल लग रहा है उसी के साथ एक एच का भी डॉट लग जाएगा, ये बन जाएगा एप्रिहेंसिव। अब नेक्स्ट है, जैसे फ्री होल्ड, फ्री होल्ड, इस तरह से लिखेंगे। अब ओल्ड जैसे लिखते हैं हम, तो साथ में एक डॉट लग गया एच के लिए, तो बन जाएगा फ्री होल्ड। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर एक डॉट लगा है, परहैप्स वर्ड है, परहैप्स में भी हम एप्स जैसे लिखते हैं तो उसी के साथ एक और डॉट लग जाएगा एच के लिए, तो ये बन जाएगा परहैप्स। अब नेक्स्ट है डाउनहिल, इसमें भी जैसे हम इल लिखते हैं, आई का वॉवल लास्ट में लग रहा है उसी के साथ एच का भी लग जाएगा, तो बन जाएगा डाउनहिल। नेक्स्ट है मैनहुड,
देखिए मैन हुड, यहाँ पर डैश लगता है लास्ट में, इसी के साथ हमने एक डॉट लगा दिया एच के लिए, ये बन गया मैन हुड। ये डी का स्ट्रोक है, एक बार इसको दोबारा बना लेते हैं। मैन हुड इस तरह से लिखा जाएगा। होपफुली यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम आगे समझ लेते हैं फ्रेजेस। अब देखते हैं ये फ्रेजेस के लिए किस तरह आउटलाइन बनेगी। वर्ड है जैसे डियर सर, योर्स ट्रूली, एवरी सर्कमस्टेंस, ऑल सर्कमस्टेंसेस, ऑल लगेगा, लास्ट में बड़ा सर्कल लग जाएगा सर्कमस्टेंस के साथ, आई बिलीव इस तरह लिखा जाएगा, आई विल टेल यू, आई एम सरप्राइज्ड, और लास्ट में यू विल रिमेम्बर इस तरह से लिखा जाएगा। इसको एक बार दोबारा बनाते हैं, यू विल रिमेम्बर, बी के साथ आर का हुक लगा इसमें। होपफुली यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे आगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।